आवा गुड्डे बच्चे, आप जो लैसन कर रहे थे बोली तो व्याकरण जिंद पढ़िया पहले बोली की भाषा, सॉरी बोली जो भाषा की है, फिर उनकी परिभाषा, उस दियाँ किस्म, उस तो बाद आप पढ़िया भाषा के रूप भी वरतों के पक्ष तो किहड़े रूप हैं, फिर उपभाषा जां उप बोली उपभाषावां किहड़ियां किहड़ियां हैं उन्हां बारे पढ़िया। अज आप पढ़ांगे पंजाबी भाषा बारे, पंजाबी भाषा की है कि पंजाबी पंजाब की राज भाषा है या पंजाब की राज भाषा कैड़ी है पंजाबी, क्योंकि अपना राज यानी अपना स्टेट कैड़ा है पंजाब। यह भारत दिया 22 प्रमुख भाषावां विचों एक है कि भारत सरकार ने 22 भाषावां नूं मानता दिती है। इस दा सत्कार करन वाले पुत्रा ने इस दी कदर नूं जानदे होए इस दे विकास वल उचेचा ध्यान दिता है कि जो इस दी पंजाबी भाषा की कदर करते हैं। पंजाबी भाषा विच ढेर सारे साहित्य की रचना हो रही है, आपां नूं पता पंजाबी विच किन्ना साहित्य रचिया गया है, नावल, नाटक, एकांगी, कहानी, कवितावां। उच्च कोटि के साहित्यकार इस दे भंडार विच दिन रात वाधा कर रहे हैं। यह भाषा का विरसा विशाल है, इसका विरसा यानी पिछोका। यह सरल, स्पष्ट ते आम समझी जाने वाली भाषा है कि जो अपने मन के विचार असी अपनी माँ बोली प्रकट कर सकते हैं वह किसी होर भाषा विच नहीं। इसका अपना व्याकरण है, अपनी लिपि है, इस विच हुण 41 अक्षर जां वर्ण हैं ते इस दी लिपि का की नाम है गुरमुखी लिपि। पहला इस विच 35 अक्षर सन ते इहनूं 35 अक्षरी भी कहा जांदा सी, हुण किन्ने है 41 और इहदा नेम उही है गुरमुखी लिपि, गुरुआं दे मुख तो उच्चारित होण कारण। इस भाषा विच दूजियां भाषावां दे शब्दां नूं अपने अंदर वसा लैण दी शक्ति है कि दूजियां भाषावां दे शब्दां नूं भी अपने अंदर समा लैंदी है। यह भाषा जिवें बोली जाती है उवें ही लिखी जाती है। इस भाषा विच उर्दू, फारसी, हिंदी ते अंग्रेजी दे अनेक शब्द रल कढ गए हैं, रल कढ दा मतलब है मिक्स हो गए हैं। यह शब्द भंडार विशाल है ते यह साडी मिठी ते हरमन प्यारी भाषा है। यह पंजाबी भाषा दी विशेषतावां हैं। अगे है व्याकरण। व्याकरण की चीज़ है? व्याकरण विच बज के ही कोई भाषा शुद्ध ते म्यारी रूप धारण करती है। जे व्याकरण दे नियम ना होण तां भाषा दा प्रयोग किसी भी प्रकार नाल अशुद्ध रूप विच हो सकता है। जिवें तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती गई सी, इत्थे लिख रही हां, वर्ड है रोको ना जान दिओ। दूसरी बार फिर लिख रही हां सेम वर्ड, रोको ना जान दिओ। एक बार मैं कोमा लगाया इत्थे, एक बार मैं लगाया इत्थे, तो की है पहले वर्ड का मीनिंग बन गया रोको ना जान दिओ, मीनस उसनू रोक लो, और दूजे का की है रोको ना जान दिओ, मीनस उसनू जान नहीं देना। ठीक है, रोको रोको ना यानी उसनू सॉरी जान दिओ, इंदा की है कि हल्के जे कोमे की वजह न ही कोमा इधर दी उधर होया तो मीनिंग चेंज हो गया। यही है व्याकरण की महत्ता। भाषा नूं शुद्ध रूप देने लई भाषा विज्ञानियों ते विद्वानों ने जो नियम बनाए हैं उन्हां नियमों के समूह नूं व्याकरण कहा जाता है कि जिवें बिंदी, टिप्पी, लगाखर है, लगा मात्रा है, स्वर है, व्यंजन है, अनुनासिक अक्षर कहड़े है, यह सारिया चीज़ां। व्याकरण की सहायता तो बिना भाषा का शुद्ध रूप नहीं जाने जा सकता। किसी भी भाषा नूं पढ़न समझन सुनन लई व्याकरण की जरूरत है। व्याकरण की जानकारी नाल ही भाषा में शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। उनका उद्देश्य, उनका मोटिव की है? शुद्ध, म्यारी, टकसाली ते साहित्यिक रूप प्रदान करना, यानी इस नाल भाषा शुद्ध भी होएगी, म्यारी भी होएगी, टकसाली भी होएगी। व्याकरण नूं समझ के ही किसी भाषा में शुद्ध रूप में जानिया जा सकता है। धुनिया का सही उच्चारण, शब्दों की बनतर, वाकों की वरतों, लगा लगा अखरों का सही ज्ञान करवाती है। जिहड़े व्याकरण नूं चंगी तरह जाण ते समझ लैंदे हन वो उस भाषा विच मुहारत हासिल कर लैंदे हन। कि किसी भी भाषा नूं जानन समझन लई सानूं उस दियां व्याकरणिक ग्रामैटिकल नियमां तों जाणू होना पएगा। इसलिए व्याकरण के नियमों बारे जानकारी हासिल करनी जरूरी है। अगे अगे व्याकरण के मुख भाग वो तीन है, वर्ण बोध, शब्द बोध, वाक बोध। वर्ण बोध यानी अखर, छोटिया क्लासों पहले वर्ण बोध, अखरों के चिन्ह हो गए जिमें सारा उड़ा उड़ा वर्णमाला, उच्चारण, लगा ते लगाखर का अध्ययन,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੜਨਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਕ ਬੋਧ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਕਿ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵਾਕ ਵੰਡ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਆਕਰਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।